थोड़ा भी डिफिकल्ट है, ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो इसलिए हम सीओ टू यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कैरिंग हैंडल तो नहीं है, लेकिन क्या इस पर इंसुलेट ग्रिप है, इसको पकड़ लेना है। तो ये राइट हाथ में, सिर्फ हम राइट हाथ में नहीं पकड़ना है, लेफ्ट में पकड़ना है। पकड़ने के बाद जो अपना राइट पैर रहेगा वो एक्सटेंशन को लगा ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, सपोर्ट के लिए। सपोर्ट मतलब आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है 60 से 65 केजी की इससे डिस्चार्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हिल सकता है, चांस है गिर सकता है, गिरने के बाद लग सकता है, कहीं ना कहीं इंजर्ड हो सकता है। सपोर्ट है तो हिलेगा नहीं। दूसरा जो अपना हाथ रहेगा, तो हथेली है मतलब पिन निकालने के बाद बिल्कुल रहेगी, इस ऑपरेटिव व्हील को लगने के बाद जो हथेली लगा भी दी तो एंटी क्लॉकवाइज व्हील को ओपन करना है। जैसे एंटी क्लॉकवाइज ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो अपना थ्रो रहेगा, तो थ्रो कैसा रहेगा, आपके बेस के ऊपर एक पॉस मेथड से होता है। सबसे पहले जो बाकी के पास होते हैं पॉस से होता है, सबसे पहले क्या पुल द पिन, ये मैं ऐसा बेस ऑफ आया, उसके बाद वो ओपन द व्हील, उसमें क्या होता है स्क्वीज द लीवर होता है, ओपन द व्हील, उसके बाद जो ये रहेगा स्वाइप साइड टू साइड सेम रहेगा, ये मेथड इसको ऑपरेट करेंगे। जो डिस्टेंस रहेगा 1 से 1.5 मीटर रहेगा, उसमें उन्हें कवर करना है और आग के अपोजिट में आग बुझाना है, नहीं तो बस जिस साइड से आ गई उस साइड से नहीं बुझाना है। और डायरेक्शन की बात करूँ तो मतलब कि जो स्पेस खाली है ओपन है तो उसमें विंड शॉक दिखेगा, लेकिन बिल्डिंग के अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन फ्लेम किससे अपन पहचान सकते हैं कि किस साइड से हवा आ रही है ना, तो जिस साइड से हवा रही है उस साइड के अपोजिट में बुझाना है। ठीक है, आप इसका ध्यान देना है, डायरेक्ट तक कैन यू वंस मोर डू इट। असेंबली लीकेज एक गुरु रहे थे, यूज दिस वन, अनसेफ है, अनसेफ वो अनसेफ। ठीक है, आप लोग क्योंकि उसके लिए नए हैं इसलिए अभी ओपन दिस साइड है, अरे गिव एंटी क्लॉक वाइज, नो 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 दैट विल द क्लॉक वाइज। हेलो, स्टार्टिंग में था, इसलिए चलना दो तरीका होता है, और इसको निकल जाने का, ये देखें ये नॉर्मल।